हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके अगेंस्ट 376 की एफआईआर झूठी एफआईआर या सच्ची एफआईआर रजिस्टर हो गई है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या अपोजिट पार्टी से यानी विपक्षी से आपके समझौता करना चाहिए या पैसे का लेन देन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या जो भी अन्य प्रकार के समझौते हैं वो आपको करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, क्या उसका प्रभाव होगा, क्या कानूनन वो समझौता मान्य होगा या नहीं मान्य होगा, क्या मुकदमा समझौता कर लेने के बाद पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा या नहीं ख़त्म होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ दिल्ली इलाहाबाद में तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे डायरेक्टली मिल सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। देखिए दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे 376 का झूठा मुकदमा, अक्सर आप लोग कहते हैं कि सर मेरे अगेंस्ट 376 का झूठा मुकदमा रजिस्टर हो गया है, ऐसी कंडीशन में अब विपक्षी मुझसे 10 लाख मांग रहा है या 15 लाख मांग रहा है या किसी प्रॉपर्टी का विवाद था तो उसने प्रॉपर्टी के विवाद में मेरे अगेंस्ट मुकदमा दिखा दिया है और वो उस प्रॉपर्टी पर कब्जा चाह रहा है, या मेरे बीच में उनके बीच में कोई पैसे का लेन देन था, अब वो पैसे कह रहे हैं कि अगर वापस मांगोगे तो हम केस विड्रॉ नहीं करेंगे, ये सारी कंडीशंस उपलब्ध हो गई मेरे सामने सामने कंडीशंस अराइज हो रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए? जो विपक्षी मुझसे 10 लाख रुपए या 15 लाख रुपए या 20 लाख रुपए यथाशक्ति मांग रहा है, उस कंडीशन में मुझे क्या विपक्षी को पैसे दे देने चाहिए या नहीं दे देने चाहिए? अगर विपक्षी को मैं पैसे दे दूंगा तो मुकदमे खत्म हो जाएंगे। सीधी सी बात, सबसे बड़ी बात ये जान लीजिए कि विपक्षी के द्वारा अगर आपके विरुद्ध मुकदमे किसी भी प्रकार से लिखाए गए हैं 376 जैसे मामलों में, तो आप सबसे पहले कोशिश यही करिए कि आप अपनी जो है गिरफ्तारी को रुकवाएं, अपने साक्ष्यों को जो भी ये संकलन करना है आप उन साक्ष्यों को रुकवाएं, उसकी गिरफ्तार अपनी गिरफ्तारी को रुकवाएं। गिरफ्तारी रुकवाने के लिए आप कहोगे साहब मुझे सबसे पहले एंटीसिपेटरी बेल में जाना होगा और एंटीसिपेटरी बेल जर्नली इस मैटर में लोअर कोर्ट में खारिज हो जाएगी, उसके बाद हाई कोर्ट में भी खारिज हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा वहां भी खारिज हो जाएगी, मनगढ़ंत कहानियां आप लोग अपने मन में बना लेते हैं, सब जगह एंटीसिपेटरी बेल मेरी खारिज हो जाएगी। लेकिन अगर आपके एविडेंसेस और ग्राउंड्स मजबूत हैं तो आपकी एंटीसिपेटरी बेल भी हो सकती है, लेकिन हाँ प्रोबेबिलिटी खारिज की ज़्यादा होती है तो ऐसी कंडीशन में आपको डेफिनेटली एफआईआर क्वेशिंग में जाना चाहिए ताकि पूरी तरीके से एफआईआर खत्म करने की आप चेष्टा करें। और दूसरी चीज़, आप ये चेष्टा करें कि आपकी अरेस्ट रुके तो एफआईआर क्वेशिंग में आप जाएंगे तो कोर्ट कम से कम अरेस्ट स्टे दे देगी, आपकी गिरफ्तारी रुक जाएगी। अरेस्ट स्टे पाना बहुत बड़ी बात होती है, छोटी बात नहीं होती, हाईकोर्ट से अरेस्ट स्टे पाना भी बहुत बड़ी बात होती है, गिरफ्तारी पर रोक लगना बहुत बड़ी बात होती है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप जो बिजनेस व्यापार धंधा नौकरी कर रहे होते हैं अभी इमीडिएट बेसिस पर, अगर एक बार आप गिरफ्तार हो गए तो वो सब चौपट हो जाएगा, कोई आपको पूछेगा नहीं, कोई आपके आसपास खड़ा नहीं होगा, आपका पूरा व्यापार बिजनेस बनी बनाई पद प्रतिष्ठा सम्मान सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपके मन में आता है कि हमसे विपक्षी ने 10 लाख रुपये मांगा और कहा है कि हम मुकदमे उठा लेंगे और आप टेंशन मत लीजिए और सारे कहानी खत्म हो जाएगी, तो मैं एकदम सीधी सी बात स्पष्ट आपको बता दूं कि विपक्षी आपको बरगला रहा है। कुछ मैटर ऐसे होते हैं कि जिसमें विपक्षी आपको बरगलाता है, कहता है कि चलो हम सेटल कर लेंगे, आपस में बैठ के बातचीत कर लेंगे, मुकदमे उठा लेंगे। तो मुकदमे उसने उठा लिए, जिस लड़की ने झूठे मुकदमे उठा लिए, आप चाहे राजा हो चाहे महाराजा हो, उसके जाके आप पैर पकड़ते हो, उसके लिए प्लेट धोते हो, चाय पिलाते हो उसको कि बहन दीदी मान जाओ और कहानी खत्म कर लो। वो बेवकूफ बनाती है कि 10 लाख नहीं 15 लाख नहीं, आज हम 20 लाख लेंगे, कल 15 लाख लेंगे, कल 18 लाख लेंगे, ऐसे ऐसे डेली डेली वो आपको बरगला रही। और जो आपके पास इनिशियल स्टेज पर महीने डेढ़ महीने का टाइम आफ्टर एफआईआर बचता है, बहुत ज्यादा अगर आपके पास है तो, जनरली पुलिस वाले 3 दिन 4 दिन में गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं, ठीक है, लेकिन आफ्टर एफआईआर आपके पास अगर 10 दिन 15 दिन 20 दिन का समय जो भी इनिशियल स्टेज पर बचा हुआ है उस दौरान आपको अपनी गिरफ्तारी से बचने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि सेटलमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। पहले जो आप सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहे हो 10 लाख 15 लाख रुपए देके, ये बाध्यता जान लो कि 376 के मामले में डायरेक्ट एफआईआर वापस नहीं ली जा सकती है। अगर लड़की एफआईआर 376 के मामले में वापस लेती है तो उसके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। वो लड़की कहेगी मैं उस समय आवेश में आकर मैंने एफआईआर लिखा दी थी, जो मैं टेंशन में आ गई थी, लोगों ने मुझे भड़का दिया था इसलिए मैंने एफआईआर लिखा दी थी, ये सारी कहानियां लेके वो चलेगी। लेकिन अगर वो एफआईआर वापस ले लेती है तो भविष्य में अगर कोर्ट चाहे या आप चाहें तो उसके विरुद्ध मुकदमे लिखा सकते हैं कि आप
ने मेरे विरुद्ध झूठे मुकदमे लिखाए थे, कोर्ट इनके ऊपर 182 की कार्रवाई करे तो लड़की को वही पनिशमेंट होगी जो आपको होती। तो उनके बरगलाने में मत आइए, जर्नली ये मुकदमे वापस नहीं होते और लोग वापस करना भी नहीं चाहते क्योंकि उनको पता है कि उनको जेल हो जाएगी, क्योंकि रेप इज क्राइम अगेंस्ट द स्टेट, ये पूरी समाज इस पूरी सोसाइटी के प्रति अपराध है, इसलिए ये मुकदमे वापस नहीं हो सकते हैं। प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट जो भी है, बच्चों और महिलाओं के विरुद्ध जो भी अपराध हुए उनमें समझौता नहीं होगा, नॉन कंपाउंडेबल है, ये वापस नहीं हो पाएगा, डायरेक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें स्टेट पार्टी होती है। अगर दो इंडिविजुअल्स पार्टी होते हैं तो भले वापस कर लो, क्योंकि ये सिविल सूट नहीं है, क्रिमिनल नेचर का मुकदमा है, ये वापस नहीं होगा और भी हीनियस नेचर का, महिला से जुड़ा हुआ है। तो पार्टीज जो भी कहती हैं हम समझौता करके केस विड्रॉ कर लेंगे, वो वापस कर लेंगे। हॉस्टाइल वो खाली हो सकती है चीफ और क्रॉस में, चीफ और क्रॉस में बयान बदल के ही मुकदमे वापस हो सकते हैं अगर इनडायरेक्ट वे में हम देखें, लेकिन डायरेक्ट वे में कोई तरीका नहीं है। लेकिन चीफ और क्रॉस में भी बदलेंगे तब भी उनके ऊपर कार्रवाई बनती है, आप उनको जेल भिजवा सकते हो। इसलिए वो जिसने झूठे मुकदमे लिखाए हैं वो अपनी बुद्धि लगाता है, वो बेवकूफ नहीं बनाता है आपको, ठीक है, वो सिर्फ अपने आपको प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि आपको जेल भेजने से अगर उसको जेल जाने से बचत हो रही तो आपको डेफिनेटली जेल भेजेगा। तो जो भी इनिशियल स्टेज पर आपके पास, मेरा कहने का मतलब 10 से 15 दिन बचे हैं आफ्टर FIR, उस दौरान आप अपनी एंटीसिपेटरी बेल या FIR क्वेशिंग की कोशिश करो, अपने आप को बचाने की कोशिश करो, और पहली कोशिश आप हमेशा यही करो कि आप FIR क्वेशिंग में जाओ ताकि अरेस्ट स्टे मिल जाए, और FIR की ग्रेविटी पर लड़ाई करो ताकि FIR क्वेश हो। जनरली लोग कहेंगे FIR क्वेश नहीं होती, लेकिन आज जो गुलाटी का जजमेंट आप देते हो वो भी यही सोचा होगा कि मेरी FIR क्वेश नहीं होगी। आप कहते हो कि जो है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस उदय वाले जजमेंट की बात करते हो, उसमें भी वो भी सोचा होगा कि मेरी FIR क्वेश नहीं होगी, और ना जाने कितने कितने सारे जजमेंट हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करूँ तो कहानी की बात है वो। तो ये ध्यान रखिएगा कि डिटेल्स जो भी आपके पास अपने एविडेंसेस हैं, आपके सबूत हैं, उन सारे सबूतों को, गवाहों को एज इट इज जो है लेकर हाई कोर्ट आइए, और हाई कोर्ट के माध्यम से अपनी एंटीसिपेटरी बेल या FIR क्वेशिंग कराने की चेष्टा करिए, जेल जाने से बचिए, क्योंकि 376 के मामले में सेटलमेंट डायरेक्टली नहीं होगा। आप सेटलमेंट करने की कोशिश करोगे पैसा भी डूब जाएगा और आपका काम नहीं होगा, और पार्टीज कि अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर करने की गलती न करो, ना नगद देने की गलती करोगे, नगद दोगे तो सब कुछ खत्म है, कुछ भी पैसा वापस नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये ध्यान रखना कि अगर आपको सेटलमेंट करना है या कुछ जो भी XYZ आप कर रहे हो, अगर पैसे दे रहे हो किसी को, मैं जर्नल परस्पेक्टिव में बात कर रहा हूँ, पैसे अगर दे रहे हो, मान लो सेटलमेंट करने की चेष्टा आई या कुछ आई किसी कंडीशन में, सेटलमेंट डायरेक्ट नहीं है लेकिन लोग जर्नली पैसे देने की कोशिश करते हैं, तो पैसे आप अकाउंट में कैसे देंगे, ऑनलाइन मत दीजिए। ऑनलाइन अगर आप पैसे देते हैं तो कल को लड़की अगर फंस रही होगी तो वो कह देगी ये मुझे भड़का रहा है, मुझे इन्होंने मेरी बिना कंसेंट के मुझे डराकर मेरे खाते में पैसे डाल दिए। लेकिन अगर आप चेक के मोड से या DD के मोड से उसको पैसे दिए रहोगे तो ये ऑब्लिगेशन होगी उसकी कि उसने वो चेक या DD अपने अकाउंट में क्रेडिट कराई है, उसने अपने अकाउंट में लगाई है, ठीक है, तो वो भाग नहीं पाएगी कि उसने पैसे नहीं ले रखे हुए, और आपके पैसे भी सुरक्षित रहेंगे। बाकी रिकवरी सूट दाखिल करके आप उससे पैसे रिकवर कर पाओगे इन केस अगर आपका सेटलमेंट नहीं होता। लेकिन सेटलमेंट करने का ये तरीका बिल्कुल भी गलत है, मैं आपको बता रहा हूँ, लोग करते हैं और उसी में फंसते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि पार्टीज पैसा लेकर भी बदल जाती हैं, जहां पर उनको जेल जाने की बात आएगी वो वहीं पर बदल जाएंगे और आप उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, उनको डर नहीं है, उनको पता है आप मर्डर नहीं करोगे, ठीक है, मर्डर नहीं करोगे, उनको जान से नहीं मार दोगे, उनको ये चीज अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि जो आदमी एक बार जेल के चक्कर में फंसा हुआ है दोबारा नहीं फंसना चाहता, इसलिए आप मर्डर नहीं करोगे, इसलिए वो पैसा आपका गट कर जाएंगे, आप किनारे हो जाओगे। इसलिए 376 के मैटर में किसी हालत में सेटलमेंट मत करो, अपनी लाइफ को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो, घर परिवार अगर बचे रहोगे तभी चीजें आगे पढ़ पाओगे, कर पाओगे। जान है तो जहान है, मोदी जी कहते, तो मैं कहता हूँ सम्मान है तो सब कुछ है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा अपनी आप बचा के रखिए, अगर सम्मान प्रतिष्ठा आपका नष्ट हो गया तो कुछ भी नहीं बचने वाला है। उम्मीद है जानकारी पसंद आई, समझ में आई है, अब आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अगर अभी तक फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर नहीं जुड़े तो वहां लाइक करना, वहां फॉलो करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।